वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एटिस्टिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार समाज कल्याण विभाग की तरफ से थोड़े दिन पहले मैंने एक आपको नोटिफिकेशन दिया था, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी था और इसके बारे में मैंने बताया था कि डेट आपको बता दिया जाएगा, तो अब डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है और ये जिला स्तर से, जी हाँ, इसकी जो नियुक्ति होगी ये जिला स्तर पर होगी और रिक्त पदों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अप्लाई करने का डेट बताऊँगा दोस्तों वीडियो के अंदर और लास्ट डेट यहाँ पर 25 नवंबर है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस फॉर्म को जल्द से जल्द आप आवेदन कर सकें। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और ये बिहार समाज कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके सारी चीज़ें देख सकती हैं या देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो ज़रूर अप्लाई करेंगे और 25 नवंबर डेट याद रखिएगा, अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि से पहले कोशिश कीजिएगा आप इसके लिए आवेदन करने के लिए। दोस्तों इससे जो पहले मैंने वीडियो दिया था उसका भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसीज थी आपकी वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ वैकेंसी निकाली गई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, तो अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए तो ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों चलिए लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल उस अपडेट पे जो कि आज के खबर हिंदुस्तान में भी निकाली गई है और आज की खबर प्रभात में भी बताई गई है। दोस्तों समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी निकाली गई है किशोर न्याय यानी कि बालकों की देख रेख की संरक्षण के लिए। अधिनियम 2015 के तहत धारा 27 एवं बिहार किशोर न्याय बालकों की देख रेख एवं संरक्षण नियमावली 2017 के नियम के अनुसार 15 के अंतर्गत देख रेख और संरक्षण जरूरतमंद बालकों को आवासन, या यहाँ पे आवास की बात की जा रही है, आवासन और विकास एवं पुनर्वास इत्यादि हेतु राज्य में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति के गठन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं गठन का प्रावधान किया गया और इन विषयों पर कार्य करने हेतु समिति में संबंधित जिले के एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य नामित होंगे जिनमें से कम 2 महिला और कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं 1 सदस्य अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग से समुदाय से होंगे। वर्तमान में अभी फिलहाल दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि राज्य में निम्नांकित में से 37 जिलों में निम्न प्रकार के बाल कल्याण समिति का गठन पुनर्गठन किया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये बाल कल्याण समिति के गठन के लिए निकाली गई है, इसकी नियुक्ति निकाली गई है जो कि पुनर्गठन रिक्त पदों के विरुद्ध में सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन का किया जाना है। तो ये कुछ रिक्त पद निकाले गए हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं जिला वाइज यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई है कितनी पदों की वैकेंसी है। रोहतास, वैशाली, कटिहार, मुंगेर, खगड़िया और जमुई के लिए यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या है 3, 1 और 1 यानी कि 3 और 2 5 पोस्ट हैं। भोजपुर, नालंदा के लिए हर जिले में मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि पिछड़ा वर्ग से 1, अन्य पिछड़ा वर्ग से यहाँ पे से 1 और अनुसूचित जनजाति से 1 और जनरल से यहाँ पे 3 कैंडिडेट का डिमांड होगा। तो दोस्तों भोजपुर में अगर हम बात कर ले तो नालंदा एवं बेगूसराय और भोजपुर ये 3 जिले यहाँ पे सिर्फ 2 पोस्ट की वैकेंसी है। बक्सर की बात कर ले, अरवल की बात कर ले, सारण की बात कर ले तो देखिए ये सारे के सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज बताए गए हैं। यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। कैमूर और सुपौल की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट हैं पर OBC का यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। गया जहानाबाद की बात करें, गया जहानाबाद सिवान और अररिया की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए यहाँ पे 1 सीट अवेलेबल है। औरंगाबाद की बात करें और पूर्वी चंपारण की, मोतिहारी की और पूर्णिया की, तो यहाँ पे दोस्तों 1 और 1 2 यानी कि 1 OBC या EBC का कोई कैंडिडेट होगा या SC ST का कोई एक कैंडिडेट आपका यहाँ पर होगा। नवादा, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा और मधुबनी को मिलाकर यहाँ पे मात्र 3 सीटें दी गई हैं। उसके अलावा गोपालगंज में यहाँ पे कुछ सीटें दी गई हैं फीमेल कैटेगरी के लिए भी है और सहरसा, जी हाँ, सहरसा के लिए यहाँ पे SC ST के लिए 1 और 1 फीमेल कैटेगरी कोई भी हो सकती है यहाँ पे शामिल। समस्तीपुर में भी कुछ ऐसा ही है, 3 सीटों की बात की गई है और भागलपुर में हम बात करें तो सिर्फ 1
और बांका में बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए आवेदन किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप कर सकते हैं यहाँ पे इन सभी पदों के लिए आवेदन। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सदस्यों की, तो उसके रूप में चयन हेतु जो भी इच्छुक जिला के निवासी या व्यक्ति यहाँ पे वांछित कागजात के साथ संलग्न करते हुए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और कब से करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों आपको 4 नवंबर दिन सोमवार है और लेकर आपको 25 नवंबर दिन शुक्रवार तक शाम के 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक वहीं इस ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। और सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की आयु जो है यानी कि एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 30 से लेकर 65 वर्ष तक की रही होगी, यहाँ पे वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 30-65 साल से। और जिसकी गणना जो है 1 अक्टूबर 2019 से की जाएगी, यानी कि बेस ईयर आपका 1 अक्टूबर 2019 का रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की प्रत्येक बैठक के लिए ₹1500 प्रावधानित है। यहाँ पे बैठक का निर्धारण नियमानुसार है। आयु के साथ निर्धारित आवेदन की अर्हताएँ बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 के प्रावधानता है। और बिहार किशोर न्याय जो है बालकों की देख रेख के संरक्षण के लिए है। नियमावली 2017 विभागीय वेबसाइट socialwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बात कही गई, समिति के अध्यक्ष जो होंगे और सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए ₹1500 देने होंगे और ये 20 बैठक होगा। तो ये लोग कौन हैं जो सदस्य के अध्यक्ष हैं इस समिति के और जो सदस्य बनेंगे यहाँ पे, उनको ₹1500 यहाँ पे बैठक के लिए दिए होगा, यानी कि प्रावधानित होगा, उनको दिया जाएगा, ठीक है। इस 20 बैठक के लिए उनको ये पैसे मिलेंगे, है ना, देना नहीं होगा उनको, ये कोई फीस चार्ज नहीं है इसके लिए आवेदन करने का। यहाँ पे आपको बिल्कुल मुफ्त है आवेदन करने के लिए इन सभी पदों के लिए। दोस्तों यहाँ पे बिहार किशोर न्याय बालकों के देख रेख एवं संरक्षण के लिए नियमावली 2017 के अनुसार यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उपलब्ध करा सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ों को। रिक्तियों की संख्या सभी कोटि में घट और बढ़ सकती है। जो स्नातकोत्तर हैं यानी कि जो एमए मास्टर डिग्री वाले हैं, उनको सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध होने के लिए स्थिति में स्नातक डिग्री प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता के आवेदन पर नियम में निहित प्रावधान के आलोक में विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक जो हैं आवेदन भरने में तकनीकी समस्याएं हो तो आप इस ईमेल आईडी पर helpdesk.dswr@gmail.com पर मेल करेंगे और आवेदन भर के अंतिम तिथि तक इसको मान्य रखेंगे। तो ये एक खबर निकाली गई है दोस्तों समाज कल्याण विभाग की तरफ से, जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। 4 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक क्राइटेरिया रखा गया है। अब इसके बारे में सारी डिटेल जो है यहाँ पे दोस्तों, अब इसके बारे में जो भी ऑफिशियल आपको अपडेट होगा वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा दोस्तों। और 4 नवंबर को मैं आपको इसके बारे में सारा अप टू डेट दे दूंगा जब इसका कार्यालय ओपन होगा और हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ तो आपको इस वैकेंसी के बारे में बता दिया, ये नई वैकेंसी है और ये आने वाली अपकमिंग वैकेंसी में से एक है बिहार समाज कल्याण विभाग की तरफ से। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो दिया था दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा उसको, ये देख सकते हैं वैकेंसी निकाली थी हमने बिहार समाज कल्याण विभाग की तरफ से, जो वैकेंसी आई हुई थी उसको अपडेट किया था मैंने। इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये आपके जो लेखाकार, लेखा अधिकारी और लेखा सहायक, इन सभी पदों की वैकेंसी निकाली जाने वाली है और इसके लिए आवेदन का डेट भी मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा साथ में इंड स्क्रीन पे, है ना। आप इस वीडियो को खत्म होते ही लास्ट में इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और इसके लिए भी वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए भी आप आवेदन कर सकेंगे। तो आपको 4 नवंबर को दोनों का ही ऑफिशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में और सारी चीज़ें आपको अप टू डेट करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जिला स्तर पर जो वैकेंसी के रिक्त पदों के बारे में मैंने ब्यौरा दिया आपको, इन सभी जो वैकेंसीज़ हैं इनके बारे में आप लोग एक बार चेक करें और इसके लिए अप्लाई करेंगे 4 तारीख से। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। 25 नवंबर तक इसके फॉर्म को भरना है आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आपको ये जितनी वैकेंसीज़ है इसके बारे में बताया और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा उसके बारे में 4 तारीख को आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।